So what's up everyone, it's your favorite host Neil Trivedi from the TikTok, and here I am with the Deadpool 2 Easter eggs video. So hopefully you guys have seen Deadpool 2. It's a good movie, it's a fantastic movie, you should watch it. May it be Hindi or English, I prefer the English version more rather than the Hindi, but both are good, it's preferred on your choice. But today we'll be talking about all the Easter eggs and references seen in the movie, and I will be talking about the English version because that makes more sense. And without wasting any further time, let's get on with the Easter egg review. Yep, so guys, we will be talking about the Easter eggs, or isme bahut sare Easter eggs hai movie. According to my estimate, 100 से ज़्यादा Easter eggs है पूरी movie के across, 2 घंटे की movie है. So मैंने जितने हो सके उतने Easter eggs pick up करने की कोशिश की है. So please spare me if I miss any Easter egg that you know and I don't know. So please comment in the comment box below कौन से Easter eggs है जो मैंने miss किए. But I have tried very hard to find these Easter eggs. We will be talking about, firstly हम Deadpool के callbacks के Easter eggs ही बात करेंगे. So Deadpool 2016 में जो फिल्म रिलीज हुई थी, आर रेटेड मूवी थी, और उसने बहुत ही सारे रिकॉर्ड शैटर कर दिए थे. और डेडपूल 2 बेसिकली उसका सीक्वल वर्जन है. तो सीक्वल में ऑफ कोर्स डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, और फोर्थ वॉल ब्रेक करने की उसकी आदत अभी तक गई नहीं है. सो फोर्थ वॉल ब्रेक करते ही हमको डेडपूल के कॉलबैक्स बहुत सारे इस मूवी में मिलते हैं जो फर्स्ट डेडपूल में थे. और उसमें से एक सीन था जिसमें डेडपूल क्रॉक्स पहनता है, क्रॉक्स जो स्लीपर्स होते हैं, बेसिकली थे क्रॉक्स. सो वो स्लीपर्स हम देखते हैं इस मूवी में भी. डेडपूल वापस वो क्रॉक्स पहनता है. फिर फर्स्ट मूवी में जब क्लाइमैक्स में वेड विल्सन और जो विलन की फाइट होती है उसमें जब वो विलन को मारने वाला होता है तब कॉलोसस अपना फेमस मोनोलॉग बोलता है, इट टेक्स 2 or 3 मोमेंट्स टू बी अ सुपर हीरो. मोमेंट्स व्हेन यू आर ऑफ. और वही मोनोलॉग डेडपूल इस मूवी में यूज़ करता है फायर फिश को काम डाउन करने में, जो एक 15-year-old किड होता है इस मूवी में, जिसकी म्यूटेंट पावर्स है हाथ में से फायर छोड़ना. तो ब्लाइंड लेडी थी जिसके घर पे वो रहता है, उसको बोलता है कि इस घर में मैंने 120 kg ऑफ कोकीन छुपाया हुआ है, जो उस टाइम पर हाइपोथेटिकल लगता है क्योंकि वो बोलता है कि आई हैव बरीड 120 kg ऑफ कोकीन एंड द क्योर ऑफ कैंसर एट द क्योर ऑफ ब्लाइंडनेस इन दिस हाउस. तो उस टाइम पे सबको लगता है वो दैट वाज अ जोक, बट इस मूवी में हम सीरियसली देखते हैं कि वो फ्लोर के नीचे उसने कोकेन छुपाया रखता है. और उसके बाद होता है द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी के साथ का कंपैरिजन. और अगर आपको नहीं पता हो पैशन ऑफ क्राइस्ट एक मतलब बेसिकली वो क्राइस्ट की मूवी थी, जीसस क्राइस्ट की. वो भी आर रेटेड मूवी थी, उसमें बहुत वायलेंस था इसलिए वो आर रेटेड मूवी थी. बट उसमें बहुत सारे डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे. इट वॉज द हाइएस्ट डोमेस्टिक ग्रोसिंग मूवी बिफोर डेडपूल वॉज रिलीज. उसमें बहुत ही वायलेंस था, पर वो मूवी ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग डोमेस्टिक मूवी इन द US थी आर रेटेड. पर डेडपूल जब आई, डेडपूल ऑल्दो डोमेस्टिकली उसको नहीं आउटबीट कर सकी, पर ऑन द वर्ल्ड वाइड लेवल डेडपूल वॉज द मोस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी ऑफ ऑल टाइम. सो गाइस, तो ये तो थे डेडपूल कॉलबैक्स. अब हम आते हैं पॉप कल्चर कॉलबैक्स. पॉप कल्चर के कॉलबैक्स बहुत ही हार्ड होंगे इंडियन ऑडियंसिस को पिक करने के लिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा यूज टू नहीं इन सब रेफरेंसेस से. फर्स्ट डेडपूल जब मूवी के स्टार्टिंग में वो एक ऐसा रेफरेंस करता है कि दिस इज़ अ फैमिली फिल्म लाइक बॉम्बी, लायन किंग, सॉ 7, और बोलते हैं कि डेडपूल 2 इज़ अ फैमिली फिल्म. और धर्मिंदर टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ द इंटरव्यू विद द वैम्पायर. अगर आपको नहीं पता हो तो इंटरव्यू विद द वैम्पायर एक मूवी थी जिसमें छोटा टॉम क्रूज था, बहुत साल पहले मूवी थी, और जिसमें वो स्पाइडरमैन की जो स्पाइडरमैन सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन थी, जिसमें मैरी जेन होती है, किर्स्टन डंस्ट वो होती है, और ब्रैड पिट भी होता है. तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं मूवी में. उसमें किर्स्टन डंस्ट तो बहुत ही छोटी थी, तो हम इसमें बहुत ही किर्स्टन डंस्ट के जोक्स बोलते हैं, या मतलब द जोक्स और ऑब्वियस, क्योंकि मुझे भी आज तक क्रिस्टन डंस है, किर्स्टन डंस्ट है, उसका मुझे समझ में नहीं आया कितना डिफिकल्ट है नेम यार प्रोनाउंस करने के लिए. यू शुड चेंज द नेम. अक्षय कुमार ने कैसे नेम चेंज कर दिया अपना, रवि पर राजीव भाटिया से ये अक्षय कुमार. किर्स्टन डंस्ट तुमको भी अपना नाम चेंज कर देना चाहिए. इट्स हम्बल सजेशन, दो इट्स टू लेट, बट स्टिल. यू ऑल्सो गेट अ कॉल बैक टू स्टार वॉर्स ऑफकोर्स. और जब वेनेसा और वेट बात कर रहे होते हैं तब अबाउट द फैमिली, दे वॉन्ट टू डेवलप अ फैमिली, तब भी वेड बोलता है वेनेसा को कि दैट्स हाउ फादर्स आर सपोज टू बी, के फादर
हर फिल्म में ऐसा ही होता है कि फादर उसके बेटे को छोड़ के चला जाता है और फादर और बेटे की फाइट होती है उसमें, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, मतलब जैसे लूक और उसके फादर की फाइट होती है वैसे ही वेड अपने फादर को रेफरेंस करता है कि फादर्स हमेशा बुरे ही होते हैं पूरी मूवीज़ में। और सो लूक और लिया के रिलेशंस की बात करते हैं जो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं नहीं उसको एलाबरेट करना चाहूँगा बट स्टिल। और ऑल्सो हम ओपनिंग मोनोलॉग देखते हैं मूवी का जिसमें डेडपूल बहुत सारे विलन्स को मारते हैं पूरी दुनिया में जाके, हांगकॉन्ग, शंघाई, फिर बहुत सारे सिटीज़ में जाता है डेडपूल, और रशिया में जाता है शायद मेरे ख्याल से, और अलग अलग विलन्स को मार रहा होता है, न्यूयॉर्क में होता है, और बस वो विलन्स को मार रहा होता है। वो सीन वॉज सेम लाइक द जेम्स बॉन्ड ओपनिंग सीन भी वैसा ही था जिसमें क्रेडिट्स आती है जेम्स बॉन्ड टाइप, जिसमें डेडपूल पूरे बुलेट से नहा रहा होता है। केबल की गन में एक ऐसा, केबल की गन जो होती है वो 11 पॉइंट्स तक जाती है, तो अगर आपको पता नहीं होगा वो 11 पॉइंट्स का उन लोगों ने कितना एम्फसाइज किया, तो एक स्पाइनल टैप करके मूवी थी जिसमें एक सीन होता है जिसमें म्यूजिशियन बोलते हैं कि मुझे 10 नहीं मुझे 11 तक जाना है। If we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11, exactly. One loud. फिर कोलासस जब फायर फिश से डील कर रहा होता है तब वो लिटरली वो रोबोकॉप की लाइन उठाता है। Come quietly or there will be trouble. You stole that from Robocop. Robocop. Just stand down. You're embarrassing me. Look. हैरी पॉटर रेफरेंस भी होता है प्रिजन में, जब फायर फिस्ट और डेडपूल प्रिजन में जाते हैं तब वो बोलता है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉर्टिंग एट आर यू गिविंग मी, इज इट स्लिदरिंग, तो वो डेडपूल के वो हैरी पॉटर की सॉर्टिंग एट जो उनको अलग अलग हाउसेस में डालती है स्लिदरिन हाउस में, वो वाली सॉर्टिंग एट की वो बात करता है। और सो गाइस केबल और टर्मिनेटर के बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं इस मूवी में, क्योंकि केबल भी टाइम ट्रैवलर है एज टर्मिनेटर, और उनको टर्मिनेटर के जैसे बहुत सारे डिस्क्राइब किया जाता है। केबल जब पहली बार अर्थ पे आता है, इन द प्रेजेंट ईयर वी लिव इन, वो बोलते हैं व्हाट ईयर इज दिस, सेम लाइक टर्मिनेटर। ऑल्सो ही इज़ कॉल्ड जॉन कॉनर, टर्मिनेटर 2 में एक जॉन कॉनर करके कैरेक्टर होता है जो थोड़ा थोड़ा जॉश ब्रोलिन के जैसा दिखता है, इसलिए जॉन कॉनर का भी मेंशन होता है इस मूवी में। डेविड लीच का भी एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस था इस मूवी में, अगर आपने जॉन विक मूवी देखी हो तो जॉन विक इज़ द मूवी ऑफ कियानो रीव्स जो एक असैसिनेटर होता है, और वही जॉन विक मूवी डायरेक्टर डेविड लीच ने को डायरेक्ट की थी। तो बोलता है तो जब ओपनिंग क्रेडिट्स आते हैं तब हम देखते हैं डायरेक्टर द गाय हु किल्ड जॉन विक्स डॉग, तो दैट वाज आल्सो वेरी कूल रेफरेंस एंड आल्सो वेरी फनी रेफरेंस। एंड गुनीज एक ऐसी मूवी थी जिसमें जॉश ब्रोलिन छोटा था, छोटे जॉश ब्रोलिन थे गुनीज मूवी में। गुनीज का रेफरेंस होता है वन आइड विले, जब डेडपूल और केबल कॉन्वॉय में जा रहे होते हैं तब डेडपूल उसको बोलता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आजा छोटे, रणवीर सिंह बोलता है आजा छोटे, और रैन रेनल्स बोलता है ब्रिंग इट ऑन वन आइड विले, और फिर वो पूरी बुलेट को हाफ में काट देता है। और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड इज़ ऑल्सो कॉल्ड 11, स्ट्रेंजर थिंग्स में जो 11 का कैरेक्टर होता है वो डेडपूल 1 में नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड जैसा दिखता है, बहुत ही सिमिलर होता है, तो दैट वाज वेरी फनी, आई मीन बहुत ही रिलेटेबल था क्योंकि शी डज लुक लाइक 11 फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स, आई डोंट रिकॉल द नेम बट वो 11 के जैसे दिखती है। सो गाइज ये तो थे हमारे पॉप कल्चर के रेफरेंसेस, अब हम सीधा आते हैं एक्समैन यूनिवर्स पे। तो अगर आपको नहीं पता हो ये फिल्म भी एक्समैन यूनिवर्स में ही बेस्ड है, सेम यूनिवर्स जिसमें इतनी सारी एक्समैन फिल्म्स आ चुकी है कि आई हैव लॉस्ट ट्रैक के कौन सी टाइमलाइन में है, कौन सी कब होती है, मुझे कुछ पता नहीं है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और एक्समैन कौन देखता है आजकल मुझे वो भी नहीं पता, मैंने बहुत ही मुश्किल से एक्समैन मूवीज़ को फॉलो करने का ट्राई किया है बट इट्स वेरी हार्ड टू फॉलो देम। और वही ये भी फॉक्स की ही प्रॉपर्टी है, सो अनफॉर्चुनेटली इट्स इन द एक्समैन यूनिवर्स, सो इसमें एक्समैन यूनिवर्स के भी बहुत सारे ईस्टर लोग थे। तो फर्स्टली हम तो चालू करते हैं कि ऑब्वियसली कोलोसस एंड नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड आर द एक्समैन, वो एक्समैन मेंशन में रहते हैं जो प्रोफेसर एक्स जिसमें सब म्यूटेंट्स को ट्रेन करता है। तो सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, फिर हम देखते हैं एक्समैन मेंशन, फिर हम देखते हैं जो उनका एक्स विंग जो बोलते हैं जिसमें हर जगह एक्समैन ट्रैवल करते हैं बेसिकली जो बीच चलाता है वो, और फिर हम वो भी देखते हैं जब वैनेसा मर जाती है और डेडपूल अपने जब वैनेसा मर जाती है और डेडपूल जाता है वो एक्समैन मेंशन में, तब उसको देखते हैं प्रोफेसर एक्स के चेयर पर राइड करते हुए, और वो जब पूछता है कि व्हाई डोंट आई सी अदर एक्समैन एनीवेयर, तो फिर हम देखते हैं कि पीछे से क्विक सिल्वर दरवाज़ा बंद करता है, क्विक सिल्वर भी होता है उसमें, और जेम्स मैकावॉय जो
प्रोफेसर एक्स प्ले करता है, यंगर प्रोफेसर एक्स और बीस्ट और साइक्लॉप्स और स्टॉर्म, आई थिंक ये पांच तो थे उसमें ज़्यादा। फिर जब डेडपूल मर रहा होता है तब वही स्कोर प्ले किया जाता है जब लोगन मर जाता है लोगन मूवी में, कि डोंट बिकम व्हाट दे मेक यू, वो एक म्यूटेंट्स का रेफरेंस होता है। फिर बुलेट का सीन भी सेम होता है जो एक्समैन ओरिजिंस मूवी में दिखाया गया था। जो एस एक्स हाउस इज मैंशनड एक्समैन अपोकलिप्स जो मूवी थी उसके एंड में हम देखते हैं कि एस एक्स कॉर्प का एक ब्रीफ केस होता है जिसमें वो वुल्वरिन का सैंपल लेके जाते हैं। बट नाउ वी विल मूव ऑन टू द मेन ईस्टर एग्स ऑफ ऑल, द इंडियन ईस्टर एग। सो गाइज, अगर आपको नहीं पता हो तो इस मूवी में जब केबल, डोमिनो, द पिंदर और डेडपूल जा रहे होते हैं जगरनॉट को फेस करने, तब पीछे शाहरुख खान का गाना बज रहा था स्वदेश में से, ये रास्ता है कह रहा आप मुझसे, वो बहुत ही कैलाश खेर सबको पता ही होगा वो गाना, बहुत ही ऑब्वियस था सुनने के लिए। अपनी हिंदी देखी हो या इंग्लिश देखी हो, दोनों में हिंदी में थोड़ा प्रोमिनेंट था वो, पर इंग्लिश में भी वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहा होता है। और वो बहुत ही अच्छा था वो सीन में सुनने के लिए, कि उनकी कॉन्वर्जेशन, वो डेडपूल केबल को बोलता है कि यू आर अ रेसिस्ट, और वो दरपिंदर को गाना बंद करने के लिए बोल रहा होता है, पर डेडपूल बोलता है लेट मी लिसन टू सम इंडियन म्यूजिक, और वो बहुत ही अच्छा गाना था वो सीन के कॉन्टेक्स्ट में। तो गाइस, कॉमिक बुक ईस्टर एग्स तो बहुत सारे थे इस मूवी में, उनको मेंशन करते करते अगर मैं थक जाऊँ तो प्लीज़ मुझसे बैर करना और सुनते रहना। सो गाइस, जस्ट जोकिंग, कॉमिक बुक ईस्टर एग्स बहुत सारे थे इस मूवी में। आई हैव टू लुक एट द लैपटॉप कि इतने सारे ईस्टर एग्स मैं कैसे मेंशन करूँगा, मुझे ही नहीं पता। तो लेट्स गेट ऑन विद द कॉमिक बुक ईस्टर एग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूल सेज आई एम बैटमैन या डेडपूल सेज आई एम बैटमैन, वो तो बहुत ही माइकल कीटन वाली मूवी का डायरेक्ट रिप ऑफ था कि हू आर यू, आई एम बैटमैन, व्हाट अ केप्ड बैडएस, एंड वी कॉल्ड इट इवन व्हेन ही सेड माय नेम इज, माय मॉम्स नेम इज मार्था, वो एक डायरेक्ट रिप ऑफ था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का, और वो बहुत ही हार्ड था आई थॉट। और ऑल्सो जब वो ट्रेलर में हमने एक सीन देखा था, सो डार्क, यू श्योर यू नॉट फ्रॉम द डीसी यूनिवर्स, केबल इज आल्सो कॉल्ड थानोस इन द मूवी बिकॉज़ ही प्लेस, जॉश ब्रोलिन प्लेस थानोस इन एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर एंड आल्सो केबल इन डेडपूल 2, सो दैट वाज ऑब्वियस। और डेडपूल एक टाइम पे बोलता है कि विदाउट माय सुपर पावर्स आई एम बेसिकली हॉकआई, गिव मी अ बो एंड एरो एंड आई एम हॉकआई। फिर वो विंटर सोल्जर के आर्म का रेफरेंस भी होता है जिसमें बोलता है आई एम नॉट द रोबोटिक आर्म्स, और एक बहुत अच्छा कॉल बैक था रोबोटिक आर्म्स पे। और फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन का भी बहुत अच्छा, वो सबसे फनीएस्ट ईस्टर एग था और सबसे फनीएस्ट रेफरेंस था मार्वल मूवी में, जिसमें जब डेडपूल जगरनॉट के ऊपर होता है तब वो उसको बोलता है कि हे बिग गाय द सन्स गेटिंग रियल लो, तो वो सेम सीन था जिसमें ब्लैक विडो हल्क को शांत करती है ब्रूस बैनर बनाने के लिए, वापस उसको शांत करती है। और डोमिनो इज कॉल्ड ब्लैक विडो, दरपिंदर इज कॉल्ड द ब्राउन पैंथर विच वॉज वेरी रिडिक्यूलस। तो अब हम आते हैं कॉमिक बुक के रेफरेंसेस पे से, जो कॉमिक बुक में से डायरेक्ट रिप ऑफ किया गया है। तो वो सीन जिसमें डेडपूल के कॉफिन में से बाहर निकलता है, दैट वाज फ्रॉम डेडपूल 898। फिर डेडपूल राइडिंग द रेड स्कूटर वाज फ्रॉम डेडपूल 68। सेम सीन जो कवर पे ही था जिसमें डेडपूल रेड कलर की स्कूटर वेस्पा चला रहा होता है, आई थिंक वो डेडपूल हैविंग सॉफ्ट स्पॉट फॉर किड्स भी बहुत एक अच्छा ईस्टर एग था डेडपूल का, जिसमें कॉमिक्स में भी डेडपूल को किड्स के लिए बहुत अफेक्शन होता है। इज अ एंटी हीरो, इज वेरी सिंपथेटिक फॉर किड्स एंड वेरी एम्पथेटिक फॉर किड्स टू, तो वो एक अच्छा कॉल बैक था। एंड आई लाइक दैट दे पोर्ट्रेट दिस वर्जन ऑफ डेडपूल, जिसमें हमको एक इमोशनल साइड भी देखने को मिलती है डेडपूल की, के इज़ नॉट जस्ट मर्क विद अ माउथ, इज़ नॉट जस्ट अ कॉमिक का जो हर बार मजाक कर रहा होता है या मार रहा होता है, देर इज़ ऑल्सो एन इमोशनल साइड टू हिम विच वॉज पोर्ट्रेट ब्यूटिफुली। और केबल की हम बात करें तो केबल मोर और लेस सेम था कॉमिक बुक में, सिर्फ उसके हाइट का भी एक चोक था कि उसकी हाइट अलग है, बट दैट्स ओके। आई थिंक जॉश ब्रोलिन वाज गुड, तो हमको केबल की पावर्स देखने को नहीं मिली, सिर्फ हम उसको गन से खेलते हुए देखा, बट केबल के पास एक्चुअली टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी है। और कॉमिक्स में केबल इज द सन ऑफ स्कॉट समर्स एंड द क्लोन ऑफ जीन ग्रे, एक बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलर स्टोरी थी। एस एक्स हाउस में जब डोमिनो बच्चों को बचाना जाती है तब हम देखते हैं एम डे इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टोरी ऑफ स्कारलेट विच, जिसमें स्कारलेट विच पागल हो जाती है, जब उसका माइंड पता नहीं ऐसे एरिया में ऐसे जोन में चला जाता है दैट शी थिंक्स के उसके और विजन के किड्स ट्रबल में आई थिंक, तो उसकी वजह से शी गोज ऑन अ रैम्पेज, उसकी फुल पावर अनलीश होती है और वो अपनी पावर से ऐसी रियलिटी को हार्म करती है कि ऑलमोस्ट सबके सब म्यूटेंट्स मर जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में
ओनली 200 म्यूटेंट्स ही बचते हैं. सो इट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी जिसमें एवेंजर्स और एक्समैन का बहुत ही अच्छा क्रॉस ओवर दिखाया गया है. प्रोफेसर एक्स, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, सबके सब, स्पाइडरमैन, एवरीवन इज देयर इन द मूवी. दैट इज़ अ मस्ट रीड कॉमिक बुक इफ यू वांट टू रीड. ऑल्सो जब वो आयरन मेवेदर हम देखते हैं इंटरव्यू में, जब ये लोग फायर फिस्ट को कन्फ्रंट करने जाते हैं फर्स्ट टाइम पे, तब आयरन मेवेदर का भी एक अपियरेंस होता है. आयरन मेवेदर एक रिपोर्टर है एक्समैन यूनिवर्स में जो कॉमिक्स में होता है. ऑल्सो एक्सपोर्ट्स के भी बहुत सारे मेंशन होते हैं जिसमें शटर स्टार हम देखना, हमने डोमिनो देखा, फिर सॉरी हमने डोमिनो देखी शटर स्टार, और शटर स्टार एक प्लैनेट में से आता है. वो प्लैनेट भी बहुत सिग्निफिकेंट प्लैनेट होता है मूवीज़ में और कॉमिक बुक में. और बेड लैम्प भी हम देखते हैं. फिर हम देखते हैं द वैनिशर विच इज़ प्लेड बाय नन अदर देन द फेमस ब्रैड पिट को देखते हैं. या इट वॉज अ गुड रेफरेंस पेनीवाइज. आई डोंट नो हाउ ही केम इन द मूवी बट ही वॉज द एसिड स्पिटिंग गाय हु स्किल्ड इन 5 seconds. जगरनॉट इज ऑल्सो प्लेड बाय रायन रेनॉल्ड्स. आई डोंट थिंक हाउ ही डज इट बट ही प्लेड द जगरनॉट. जब फर्स्ट टाइम डेडपूल और जगरनॉट का कॉन्फ्रंटेशन होता है तब उसको बोलते हैं कि आई लव ऑल ऑफ योर कॉमिक्स स्पेशली थॉर 411 जिसमें लोकी माइंड कंट्रोल करता है जगरनॉट को, न्यूयॉर्क के रैम्पेज पे उसको भेज देता है. एक्समैन अनलिमिटेड इशू 12 जिसमें जगरनॉट एक प्रिजनर होता है और वो ब्रेक इन करता है. और जगरनॉट अपने भाई का भी बहुत ज़्यादा मेंशन करता है जो प्रोफेसर एक्स बेसिकली उसका स्टेप ब्रदर होता है जगरनॉट का, और उसके माइंड कंट्रोल से बचने के लिए अपना बड़ा हेलमेट पहनता है जगरनॉट. सो इट वॉज़ अ वेरी कूल ईस्टर एग. एंड जगरनॉट वॉज ऑल्सो पोर्ट्रेट वेरी ब्यूटीफुली. मतलब एक्समैन लास्ट टाइम से तो अच्छे पोर्ट्रेट किया जाता है उसको. ही वॉज अ गुड बिग विलन जिसकी जिसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था. जगरनॉट एक्चुअली में इतना बिग होता है, इतना रैम्पेज और इतना पावरफुल होता है, तो हम उसको भी देखते हैं. और ऑल्सो ब्लैक टॉम कैसिडी जो बहुत सारे लोगों को एक जोक लग रहा था, पर ब्लैक टॉम कैसिडी एक बहुत ही प्रोमिनेंट विलन है एक्समैन मूवीज, एक्समैन कॉमिक्स में, और इज अ नोन एसोसिएट ऑफ द जगरनॉट. सो ये भी बहुत एक अच्छा कॉल बैक था ब्लैक टॉम कैसिडी और जगरनॉट के रिलेशन का. तो वो डेवलप नहीं हो सका इस मूवी में बिकॉज ब्लैक टॉम कैसिडी वॉज किल्ड अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल इट वॉज अ नाइस ईस्टर एग. और ऑल्सो डेडपूल का हम ब्लैक एंड व्हाइट सूट देखते हैं जब वो पूरा बन हो जाता है, दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी कूल ईस्टर, क्योंकि डेडपूल का ब्लैक एंड व्हाइट सूट भी बहुत पॉपुलर है. जब फायर फिस्ट को पूरा का पूरा बन कर देखता है तब हम उसको देखते हैं. और डेडपूल क्रिएटर रॉब लाइफेल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आउट फॉर नॉट बींग एबल टू ड्रॉ द फीट. मैनी पीपल आर वेरी एंग्री क्योंकि उनको फीट ड्रॉ करना अच्छे से नहीं आता. सो दैट इज़ दैट. एंड ऑल्सो सरप्राइजिंग स्टैनली कैमियो इज ऑल्सो सीन गाइज. हम लोग स्टैनली को भी देखते हैं जब डोमिनो लैंड करती है अपने, डोमिनो इज द ओनली सर्वाइवर जो एक्सपोर्ट्स में से जो लैंड करती है. और जब वो लैंड करती है तब हम पीछे म्यूरल में एक स्टैनली का रेफरेंस देखते हैं, उसका एक पेंटिंग होती है स्टैनली की. ऑब्वियसली क्योंकि स्टैनली भी एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस मूवी में. पोस्ट रेड की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट रेड सीन था. आई थिंक इट वाज नॉट लाइक द लास्ट पोस्ट रेड सीन. वी सी रायन रेनॉल्ड्स बेसिकली अनडूइंग एवरीथिंग ही हैज डन, जिसमें वो एक्समैन ओरिजिन्स मूवी में जाके है जब लोगन और डेडपूल का फर्स्ट कन्फ्रंटेशन होता है तब वो सीधा जाके डेडपूल को शूट कर देता है पुराने वाले. एंड ऑल्सो वी सी हिम किलिंग रायन रेनॉल्ड्स जब वो ग्रीन लैंटर्न साइन कर रहा होता है, तो रायन रेनॉल्ड्स खुद के सेल्फ को मार देता है पीछे जाके जब वो ग्रीन लैंटर्न बनने वाला होता है. तो बेसिकली वी सी रायन रेनॉल्ड्स अनडूइंग एवरीथिंग. वो अपनी वाइफ को बचाता है मरने से. सो गाइस ये थे पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन. आई हैव रन आउट ऑफ ब्रेथ एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ मच टाइम इट हैज टेकन फॉर मी टू फाइंड ऑल दिस ईस्टर एग्स. बट hopefully you like the video, hopefully you know more about Deadpool than before, and it was a very nice movie. It is a very fantastic movie, still breaking some records. I think Avengers Infinity War ke wo achhi takkar de raha hai us movie ko, and it's still earning well. Both the movies are doing well, and I will be coming back with Avengers Infinity War theory video. Bahut sari theories abhi internet pe aa chuki hai Avengers 4 ke bare mein, so I will be covering that topic for a bit. And yeah, that was it. So if you like the video, please do like, comment, subscribe and share. Guys, please, it's very important. It takes a lot of effort to do this. Or agar aap share karenge isko koi bhi social media platform pe, it would be very 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 helpful. Kahin bhi share kar dijiye, Instagram, Facebook, WhatsApp, Tumblr, Twitter, jo bhi aapko man mein aaye, Pinterest pe bhi share kar do agar aap ho to, aur koi bhi social media platform pe share kar do, it would only help us. So if you like the video, please do like, comment, share and subscribe,
एंड ऑल्सो हिट दैट बेल बटन, जो घंटा बटन आपको दिखता है उसको दबा दीजिए फॉर नोटिफिकेशंस. विल बी कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड अंटिल देन पीस आउट.